मायरिंगोटोमी एंड ग्रोमेट इंसर्शन, ये एच टॉपिक। कान के अंदर स्पेशली कान का मिडिल पार्ट में थिक ग्लू जैसा फ्लूइड आने का, जमने का चांसेस है। ये ज्यादा भी बच्चों में होगा, दोनों कान में रहेगा। तो कब भी ये मिडिल ईयर में ग्लू का शिकार हत्या की, वो कंडीशन को ऑटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूशन बोलेंगे। तो ये कंडीशन बस डिटेल को तुमने समझ में आना तो तुम्हें यूट्यूब में डॉक्टर जाकिर हुसैन ईएनटी ऑटाइटिस मीडिया इफ्यूशन उर्दू को डाल तो फुल डिटेल मिल जाएगा। उसमें वो की आता सो, बच्चों का क्या क्या कंप्लेंट्स रहेगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, पर हमें डॉक्टर एग्जामिन करते क्या क्या फाइंडिंग्स रहेगा, क्या क्या टेस्ट करना, मेडिकल मैनेजमेंट कैसा, सर्जिकल मैनेजमेंट कैसा। तो मेन होगो ये वीडियो में मैं खाली सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल स्टेप खाली बोलते हूँ। अब ये ग्लू अंदर कान के अंदर रहने से, पर्दा का पिक्चर रहने से बच्चों को सुने जाएगा नहीं, तो ग्लू निकाल को छोना। तो हमें क्या करेंगे, तो वो ईयर ड्रम में छोटा एक छेद बना को, एक होल इंसिशन डाल को वो ग्लू कंप्लीट निकालेंगे। तब ये करको ग्रोमेट भी डालेंगे। तो इसका कॉमनेस्ट इंडिकेशन क्या का, तो मैं पहले बोले सका ऑटाइटिस मीडिया इफ्यूजन, ये जाते बहुत सारा कंडीशन में ग्रोमेट डालेंगे। अब इसमें मेन हो को मैं सर्जिकल स्टेप्स क्या बताता हूँ। सर्जरी बताने का पहले मैं चार डायग्राम्स बताता हूँ, तो ये देखे तो तुम्हें सर्जरी स्टेप देखते ही और भी क्लियर को समझ में आएगा। तो फर्स्ट आपको फर्स्ट डायग्राम देखे तो मैं आपको ईयर ड्रम में एक छोटा इंसिशन डालता हूँ, छेद करता हूँ, उसके बाद ये छोटा ग्रोमेट जो मैं बोलिया वो करेक्ट उसका इंसिशन को ऊपर रखो, मैनिपुलेट करको, करेक्ट रखो, उसके अंदर पकड़ को बेटर से का पोजिशन कर जाओ। अभी तुम्हें ये सर्जिकल स्टेप्स देखो, इसमें फर्स्ट मैं एक इंसिशन डालता हूँ, डाल को वो ग्रोमेट बैठे सिका वो इंसिशन को जरा बड़ा कर दो, जरा भी ब्लीडिंग नहीं, एक ड्रॉप ब्लड तक नहीं। यूजुअली माइक्रोस्कोप में करते, मैं ऑटो टेलीस्कोप में करता, और वो चौपका लेटेस्ट हुआ, जरा भी ब्लीडिंग नहीं प्रोसीजर में। तो वो जो गैप है ग्रोमेट बैठे सिका जरा बड़ा करे बाद वो ग्रोमेट दूसरा इंस्ट्रूमेंट में पकड़ को करेक्ट हो को वो इंसिशन का ऊपर बिठाना, पेट को करेक्ट जरा मैनिपुलेट कर तो वो दो इंसिशन का बीच में करेक्ट होकर बैठ जाना। ये कर बिठाने का पहले अंदर से थिक ग्लू फुल निकाल डाल जाएंगे, निकाले बाद ये ग्रोमेट बिठाएंगे। अब ये इसका यूजुअल टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो 5 मिनट बस, दोनों कान में 10 नहीं तो 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है तो इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या पूछो तो ज़रा पेशेंट में ब्लीडिंग होने का चांसेस है, पर घर जाको अच्छा केयर करने तो कान में पानी पड़ा चढ़िया तो इन्फेक्शन बार बार आने का चांसेस है। वैसा 6-7 महीने 8 महीने के अंदर ये रखे तो ग्रोमेट अपने आप बाहर निकल जाना, डॉक्टर निकालना को नहीं। तब निकले बाद पहले हमें जो ऑपरेशन में छेद डाले थे वो अपने आप क्लोज होना, कब तक भी क्या होगा तो वो क्लोज होगा नहीं, होना नहीं से वहाँ एक परफोरेशन रहने का चांसेस है। तो ये सो बिच ये ऑपरेशन का कॉम्प्लिकेशंस। आदाब।